है इनकी सरकार? लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ? तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया। पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को? माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार? ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरत हो। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भाजपा का मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा शुरू हो गया है। यह दौरा 7 दिनों तक चलेगा। दौरे में भाजपा के सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश में 7 दिन के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 नवंबर को पहुंचने से ठीक एक दिन पहले 15 नवंबर को बड़वानी में सभा करेंगे। सुबह 11 बजे विमान से वे इंदौर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से बड़वानी जाएंगे। फिर 19 नवंबर को भोपाल की 2 सीटों उत्तर और नरेला में रोड शो करेंगे और रात यहीं रुकेंगे। प्रचार अभियान के साथ साथ शाह संगठनात्मक बैठकों में भी चुनाव अभियान का फीडबैक लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार? जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।
याद है इनकी सरकार? ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार? ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।